अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिमानी प्रेजेंट्स द शोएब अख्तर शो। आज मैं गया था डॉनवन मॉल में और हिमानी के स्टोर पे गया, वहां पे वाइड रेंज ऑफ चीजें पड़ी हुई थी हिमानी की तरफ से जो एब्सोल्युटली आपके काम की हैं, स्पेशली स्किन केयर की और हेल्थ केयर की बहुत सारी चीजें और ऑर्गेनिक है सारी। तो आज के एपिसोड में मेरे साथ जुड़ेंगी दो बाकमाल खवातीन, बिकॉज इन्होंने अपना लोहा मनवाया है ना सिर्फ टीवी पे बल्कि मॉर्निंग शोज पे और बिजनेसेस में भी, और ये बहुत ही इंपावर्ड खवातीन है। एक है शाइस्ता लोधी और दूसरी है निरा यासर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बैठे। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं पाकिस्तान की माया नाज, वन ऑफ द बेस्ट होस्ट, ट्रेंड सेटर, उसके बाद दूसरी ट्रेंड सेटर निदा यासर, लगी हुई है 10 सालों से, 10 प्रोग्राम, सॉरी 14 साल, मैं 10 साल से देख रहा हूँ भाई, 14 साल, 14 साल। टीवी में बहुत काम किया आपने, मॉर्निंग होस्ट का ट्रेंड सेट किया आपने, पायनियर में से हैं आप भी, वन ऑफ द फ्यू लेडीज इन टीवी इंडस्ट्री जिन्होंने अपना इम्पैक्ट बिठाया। ये हिम्मत ताकत, वन बाई वन आपसे पूछता हूँ, ये हिम्मत ताकत, ये करेज, ये दिलेरी, ये सुबह को उठना, बच्चे भी संभालने, टीवी भी संभालना, माल को भी संभालना, सेठों से भी चलना है, इतना औखा काम आपने कैसे कर लिया, ये जरा जल्दी से बता ना। कोई प्यारा क्वेश्चन किया ना आपने। इसका जवाब 2 प्रोग्राम पे होगा। इसका जवाब इतना बड़ा है, अच्छा, कि वो वन बाय वन देंगे, लेकिन अल्लाह करा देता है, अल्लाह में हिम्मत दे देता है, और फैंस जो पसंद करते हैं उनकी फीडबैक जब आती है तो आपकी एनर्जी और डबल हो जाती है, और फिर दिल चाहता है, ये मोटिवेशन है बहुत बड़ी। वरना सब लोग को बड़ी फैंसी जॉब लगती है, सुबह उठना और तैयार होना और जाके बैठ जाती हैं और बातें करती हैं, नहीं ये इजी नहीं है। आपको अपनी सोशल कंटेंट के अलावा सोशल लाइफ आपको कट करनी पड़ती है, टोटल खत्म कर आपकी फैमिली लाइफ। यस, 7-8 9 बजे हम चप्पल पहनकर भागते हुए आते हैं, मतलब लाइक अब तो मेरा ये हाल है कि भागते हुए आते हैं, सांस फूला हुआ होता है उसके बाद ओके, क्योंकि हमें 9 बजे शुरू करना लाइव। हाँ, गलती का कोई चांस ही नहीं है। यार वैसे मुझे ये बताएं, ये जो जवान लड़कियां देख रही हैं आपको, जो नई शास्ता लोधी है 15-16 साल की है, वो लाहौर में बैठी है, निदा यासर कराची की, अभी 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 वो टीवी इंडस्ट्री में आना चाह रही है, मीडिया पढ़ रही हैं, उनके लिए सजेशन क्या है आप दोनों की तरफ से? पता है मैं बच्चियां जब मुझे मिलती भी है ना, नॉर्मली मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ कि मेहनत करो। अच्छा, सारे मजे जो है ना, पार्टी में भी जाना है, सालगिरह में भी जाना है, फलानी चीज भी, शॉपिंग पे भी जाना है, शादी पे भी जाना है, जब अगर वो फील्ड में आई, किसी भी फील्ड में आई, उन्होंने फोकस रखना है पहले अपनी, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पर, और उसके बाद आराम से मलाई की तरह सारी जिंदगी गुजरेगी। आपकी सजेशन बच्चों के लिए? मेरी सजेशन ये है कि लोग क्रेजी कहेंगे, लोग पागल समझेंगे, लोग ये कहेंगे ओ शक्ल देखी है अपनी, टीवी में जाना चाहती हैं, ओ टीवी में चली गई, अच्छा दिमाग जब ही खराब हो गए, लेकिन काम करती रहें, सिर्फ फोकस्ड रहें, वो करें जो आप करना चाहती हैं, उन ड्रीम्स को चेज करें जो आपके हैं, किसी और ने आपको नहीं दिए, फिर वही लोग होंगे जो आपसे, आपके साथ तस्वीर भी खिंचवाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आपको पता है वो मेरी फलां फलां कजन है, ये है, मैं उसको जानता हूँ या जानती हूँ। तो जस्ट स्टिक उसके साथ जो आपके जहन में, आपके दिल में ख्वाहिशात हैं अपने लिए। निदा यासर से पूछना चाहता हूं, अगर आप PSL में, हाय हाय, अगर मेरे किसी टीम, टीम में शेयर लेने हो कराची किंग्स के अलावा, प्लीज। ये तो तुम कराची वाले कराची की जान नहीं छोड़ते यार, भाई हम भी पंजाबी आपके दोस्त हैं, कराची किंग्स के अलावा किसी टीम में आपको शेयर्स लेने हो, वो कौन सी टीम होगी? क्वेटा ग्लैडिएटर की शेयर 20%, मतलब आप तो कराची, क्वेटा वगैरह सब तो है, कोई और है, जलमी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुल्तान है, मैं तो कराची किंग में शेयर डालूंगी, मैं कराची किंग्स के अलावा, कराची किंग्स के अलावा भाई हमें आपके चैनल का पता है, शेर साहब नाराज हो जाएंगे, ऐसा क्या आप मुझे बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जहां से कमा रही हूं वहीं पे शेयर डालूंगी। ओके यार मुझे बताएं, ये प्रेशर की वजह से बोल रही है, दिल से बोल रही है, दिल से बोल रही है, ये दिल से बात कर रही है, सलमान इकबाल आप सुन रहे हैं बात, ये दिल से बोल रही है, ये आपसे लाड लूट करती है। वन क्रिकेटर आया है करंट जनरेशन में जिसको मॉडलिंग सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, ऑप्शन देता हूं आपको, 3 ऐसे लड़के हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको करंट जनरेशन में, आपसे भी सवाल पूछूंगा, पहला शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा शादाब खान, तीसरा
बड़ा ही क्यूट है नसीम शाह। हाँ नसीम शाह ना आजकल सारी बच्चियां उसी के पीछे पागल है। So, मुझे लगता है कि अच्छा? हाँ छोटी 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 लड़कियां उन्होंने ही बताया मुझे कि बड़ा मतलब मैं इंटरनेट पे अच्छा? भी पढ़ती हूँ कि बड़ा प्यारा है बड़ा अच्छा है। नहीं नहीं इज वेरी गुड लुकिंग है ना बहुत सारे अच्छे वेरी गुड लुकिंग। आपने देखा है? देखा नहीं बात भी की है मेरी बच्ची बड़ी अच्छी सलाम दुआ है नसीम। अच्छा नसीम शाह से अच्छा पुराने क्रिकेटर साहब की सलाम दुआ करंट के साथ भी सलाम दुआ। आपसे सलाम दुआ नहीं है कि मेरी क्या हमारा क्या बात कर दिया आपने मुझे 25 साल से जानती हूं। हाँ तो बस है ना कितना टाइम हो गया तुम्हारा शो करने है वहाँ पे अब निदा के शासर के शो पे जाना अभी मेरे शो पे नहीं आई है नाराज किया इस बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ अगर मैं ना आया ना बगैर पैसों के मेरा नाम चेंज कर देना सॉरी आऊंगा मैं पैसों का लग कर निदा यासर को नसीम शाह पसंद है। हाँ मतलब लाइक सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा उसमें क्या अच्छा लगता है आपको क्यूट है लाइक हाँ मतलब अपीयरेंस वाइज अच्छा है ना टीवी पे अच्छा प्लेजेंट प्लेजेंट सा लुक। अच्छा आपको अच्छा लगता है कि हमारा ब्रांड दिख रहा है जी हां जी ये हमारा प्यारा लड़का दिख रहा है फास्ट बॉलर भाग रहा है बाल उड़ रहे हैं। मुझे नसीम शाह की एक बात बहुत अच्छी लगती है एक तो जाहिर है उसका ऑब्वियसली क्रिकेट दूसरी एक चीज वो बहुत क्यूट है सादा है सादा है मासूम है। अभी ना वो वाली हवा नहीं लगी लगेगी सबको लग जाती है जैसे हमें भी लग गई। कौन सी हवा की बात करी शास्त्री मैं उस हवा की बात करी जहाँ अब वो सर्टेन कैमरा के लिए ग्रूम हो जाते हैं ना और आपको पता होता है कि अच्छा इस सवाल के जवाब में मैंने यूं बोलना है नहीं इस सवाल के जवाब में मैंने यूं बोलना है को अभी वो वाली हवा नहीं लगी। अच्छा वो भी मैच्योरिटी ट्रेन नहीं हाँ ट्रेन नहीं यस वैसे बोलते तो हम भी बड़ा आउट फॉल थे वैसे बड़ा कंट्रोवर्शियल अपनी जिंदगी में लेकिन अब ट्रेनिंग नहीं हो सकती आपकी हो गई जो होनी थी हम उसके बाद भी सही नहीं हुए उसके बाद भी हम मोस्ट कंट्रोवर्शियल ही रहे शास्त्र में बाकी बहुत बुरा बसते रहे बहरहाल भी देखो अभी भी हम जिंदा है ये बच्चे हो गए शादीशुदा हो गए बिल्कुल हम एक दोस्तों की तरह आपसे बात कर रहे हैं और इसलिए बात कर रहे हैं कि देखिए यार एक मैच्योरिटी का लेवल आ जाता है लेट फोर्टीज के बाद भी अगर आप मैच्योर नहीं हैं आप अच्छा खा नहीं रहे अच्छा सो नहीं रहे लान ऐसी जिंदगी पे उस मर्द पे भी और औरत पे भी स्पेशली जो 40 के बाद भी समझ नहीं रहा मैं तो 40 के बाद जो मैं देखता हूँ लेट 40 वाला बंदा अगर वो ठीक खा नहीं रहा ना मैं कह सकता कुछ भी ठीक नहीं है बेहूदा खाना खा रहा है तो ये बेहूदा सो भी रहा होगा ना टाइम पे उठ रहा होगा ना टाइम पे सो रहा होगा तो मेरे ख्याल में इसकी अभी भी अकल नहीं आई तो छोड़ो इसको दोस्ती करनी नहीं मैं खाने से ही जज कर लेता हूँ। आपके बहुत ज्यादा मीम बनते हैं मीम्स ये वजह क्या है निदा यासर पता नहीं भाई वही वाली बात है सच्ची और आपका फेवरेट कौन सा है ये बताना आपने मेरा फेवरेट तो वही फॉर्मूला वन ही चल रहा है क्योंकि मैं खुद जब मुझे उसके बारे में पता चला मैं अपने ऊपर इतना हंसी के यार कोई बात नहीं भाई देखे साफ बात है able to laugh yourself at yourself it's the best thing मैं हमेशा से बचपन से अपने आप ऊपर हंसती आई हूं क्योंकि बहन भाइयों में भी कोई ना कोई ऐसा भंड मारती थी खानदान में बैठ के तो वो पुरानी आदत है आपको एक्सेप्टेबल कर लिया जाता है आपका एक मीम्स भी ना एक्सेप्टेबल हो जाता है और आपसे लाड कर लेते हैं फिर भी लोग अच्छा आप पता नहीं क्यों आप बहुत ज्यादा क्यूट हैं इसलिए क्यूट नहीं मैम क्या मसला है मैं जान ये आपके आपके लोग बहुत लाड करते हैं मैंने देखा आपको ये लोग मैं भी लोगों से बहुत लाड करता हूं लोगों का प्यार है प्यार है तो ये तो प्यार है जो आपके अपने होते हैं ना वो पैकेज होता है फरिश्ते नहीं होते उनमें अच्छाइयां बुराइयां सब सब होती है। मैं अगर कोई गड़बड़ करती हूँ तो वो कहते हैं छोड़ो ना अपनी बच्ची है मतलब बच्ची नहीं है उनकी बच्ची है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था ये देखो किस ईयर में जीता था 2006 नहीं किस पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था क्या एक मिनट जरा मैं चुप नहीं यार शास्ता यार मैं अपने इंटेलिजेंट दोस्त से पूछ नहीं नहीं शास्ता यार ये तुम दोनों मिली हुई आपस में अब दोबारा पूछे पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का 1992 पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप जीता था क्वेश्चन तो सुनो ना से मैं तो वो पिछला वाला क्वेश्चन का जवाब दे रही थी निदा जैसे कह रही है 2009 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था वो 92 में था नहीं सॉरी आपने बोला जीता था इस दफा तो जीता नहीं ना वर्ल्ड कप ये जो ये औरत तो मुझे है ना पता है ये औरत तुमसे मिल गई थी कानों में इसे बता दिया था तो मेरी दोस्त ने बात थी ना इस दफा तो जीता नहीं ना निदा यासर मेरी फेवरेट भाई जी मैंने शो पे जाना निदा यासर साथ में दुश्मनी कर ही नहीं सकता अगर शोएब अख्तर को एक मॉर्निंग शो होस्ट करना हो तो किस सेगमेंट में उसको होना चाहिए और उसमें जो है क्यों बुलाया इतनी तेज खातून को क्यों इतनी तेज पढ़े लिखी औरत इतनी तेज पढ़े लिखी औरत को क्यों बुलाया अच्छा जी
अच्छा अगर मैं मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहूँ, डू यू थिंक विल बी सक्सेसफुल होम मॉर्निंग शो या वैसे ही, या मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे में टेम्परामेंट है? सच्ची बात बताऊँ, माइंड नहीं कीजिएगा, नहीं करूँगा। मॉर्निंग शो औरतों पे सूट करता है, मॉर्निंग शो औरतों पे सूट करता है। यासर ने अपनी मार्केट को बरकरार रखते हुए मुझे बाहर निकाल दिया इंडस्ट्री से। कोई बहुत मशहूर मॉर्निंग शो होस्ट मेल जितने हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह ना अच्छा लगेगा, आदमी ये कह रहा है मेरे बच्चे के पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, या रिलेटेबल नहीं होता। मतलब यार जमाना इतना चेंज हो गया, जमाना इतना चेंज हो गया कि अब मर्द बेचारे इतने मजलूम हो गए, अब वो कुछ कह भी नहीं सकते ना कि यार हमारे भी ये प्रॉब्लम्स हैं यार। चलो इंद्र यासर ने कहा जी शेब भाई आप बाहर निकल जाए, आपका कोई स्पेस नहीं इसमें, इसमें कोई स्पेस नहीं आपका, आप निकल जाए, आप ऐसे अच्छे लगते हैं क्रिकेटर हमारे नेशनल हीरो, आप दफा दूर हो जाएं और उर्दू फ्लिक से पैसे लें और निकल जाएं। ये बात आपने रिकॉर्ड करके चला देनी, निदा आपने ये कहा? ऐसा निदा ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। शाइस्ता लोधी की बारी है, आपने शाइस्ता लोधी को आपने कंफ्यूज भी करना है, इंटरेक्शन भी करनी इनके साथ, इनसे बातें भी करनी है, सिर्फ मैंने नहीं बोलना। प्लीज आप होस्ट हैं, बहुत प्यारी होस्ट हैं, आप दोनों बहुत ही पायनियर्स में से हैं, प्लीज एक इंटरेक्शन आप कर सकती हैं, लेकिन इंटरेक्शन का एक तरीका है, क्या? ब्रेक के बाद। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 40 के बाद नॉटी होते ना, आपको कैसा लगा आप शादी? नहीं, मैं नॉटी था शुरू में, हाँ अब ठीक हो गया हूँ। अब गोड़े गिटे खराब हो गए, नेता मेरे ठीक होने के बाद शादी करनी चाहिए, गोड़े गिटे खराब हो चुके हैं, मेरे फर्क हो चुका है। Welcome to Himani Present the Shoaib Akhtar Show. Himani, skin care की जी बहुत सारी चीजें wide range में बनाता है. Skin care से याद आया? The Aesthetic Clinic. The Aesthetic Clinic ये क्या है यार? सुना है कि 3-4 शहरों में फैल चुका है और एक खातून है शाइस्ता लोधी जो इसकी मालिक है जी. माशाल्लाह आपकी स्किन भी बड़ी ग्लो कर रही है, आपका क्लिनिक बड़ा ऊपर जा रहा है. अपनी क्लिनिक के बारे में कुछ बताएंगी कि क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट एंड व्हाई यू स्टार्टेड इट एंड हाउ इज द बिजनेस गोइंग? लोग प्यारे होते हैं, हम उन्हें मजीद प्यारा बनाते हैं, बस इतना सिंपल सी बात है. और दूसरे ये कि शोएब अख्तर बहुत अच्छे हैं, बड़े डैशिंग हैं, बड़े हैंडसम हैं, लेकिन बाकी आपके सारे दोस्त अहबाब आते हैं, आते रहते हैं, आप नहीं आए. सो आज हम आपको इन्वाइट करेंगे कि दी एस्थेटिक में आप कब आ रहे हैं. मैं जरूर आऊँगा. शायस्ता ये एक टैबू है मर्दों के लिए कि मर्दों को क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए. रिंकल्स पड़े हैं तो इसको बोटॉक्स नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं तो बाल नहीं लगवाना चाहिए, अगर आपको लेजर है आपको लेजर नहीं कराना चाहिए. ये क्या टैबू है? क्या कह रहे हैं? आपकी सारी क्रिकेट टीम ने लेजर करा के अपनी बियर्ड बनवाई हुई है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा विलेज का, मैं देहाती आदमी थोड़ा, सो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सो मुझे तो इन चीजों का नहीं पता. लेकिन ये जो अपना ये आप क्लियर कर दें कॉन्सेप्ट प्लीज. जी जी जी, मैं आपके तौर से कहने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि ये टैबू नहीं रहा. आप अब तो नहीं रहा, तो हाँ अब तो बल्कि वाइफ जो हैं, बहनें जो हैं, वो अपने भाइयों को मियाओं को खुद लाती हैं कि भाई इनकी भी कुछ केयर कर दें, सिर्फ हम केयर के काबिल नहीं है. अभी जब शहरों में ये चेंज आ चुका है कि रूरल एरियाज में ये चेंजेस आ रहा है और इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर द रूरल एरियाज टू. देखिए एस्थेटिक जी, एस्थेटिक एक लग्जरी ब्रांच है मेडिसिन की, एक्सेसिबल हर एक को इस तरह से नहीं होती. बट दी एस्थेटिक क्लिनिक का मोटो है और हम इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर भी रहे हैं कि हर डोर पर पहुंचा दें एस्थेटिक्स को. लेकिन शायस्ता अगर आप ना स्किन केयर हैं, आपके स्पेशलिस्ट, आप स्किन केयर में 10,000 चीजें, आंखों, नाक, होंठ, बाल, ये पलकें, ये लेजर, ये भी करना, वो भी, ये एडिक्शन नहीं है? नहीं, एडिक्शन नहीं है. अगर एडिक्शन तो कोई भी चीज है, एडिक्शन तो कोई भी चीज बन सकती है जब आप कंट्रोल से बाहर चले जाएं. okay. अगर आप कंट्रोल में और आपको पता है कि ये है, ये मेरी जरूरत है, ये मुझे अच्छा फील कराता है, ये मेरा मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, अगर मैं अच्छी लगूं किसी भी हवाले से मेरे हाँ, ठीक बात है. सो सबका हक है अच्छा लगना. जी बिल्कुल, फिलर्स डालने फिलर्स डालो, बिल्कुल, अगर लाइनें बनानी है जो लाइन बनानी है बनाओ, क्या इसमें मसला है? देखिए क्रिकेट में कितना ग्लैमर आया शोएब एक जमाने में, मतलब कैरी पैकर सीरीज और उसके बाद फिर उसके बाद जो ग्लैमर आना क्रिकेट में, अब लोग बहुत सारे लड़के क्रिकेट सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि गेम तो स्पोर्ट तो उनका अच्छा होता है लेकिन उनको लाइमलाइट में आना होता है. तो हर चीज चेंज हुई है वक्त के साथ. आपको टीम में शेयर लेना, किसका टीम लेंगे?
दो टीम्स का, एक वक्त में दो टीम्स का, हाँ आई नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बट ठीक है किसी दूसरे नाम से ले लूंगी। आप बिजनेस एक्यूमेन है ना, आप में आप बिजनेस वुमन है ना, आप तो उसका सोचती हैं। तो एक मैं लूंगी क्योंकि लाहौर कलंदर्स, नहीं ये लाहौर कलंदर्स राइट, लाहौर का लाहौर कलंदर्स ओके हाँ। सो एक मैं लूंगी लाहौर कलंदर्स क्योंकि मेरी अभी ब्रांच वहां खुली है, तो मेरी आजकल बड़ी लवी डवी रिलेशन चल रही है लाहौर के साथ और लाहौरियों के साथ। और एक मुझे अपना बलूचिस्तान बहुत पसंद है, so, इसलिए मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के शेयर्स लेने। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको रोमांटिक ड्रामा करना हो तो किस क्रिकेटर के साथ वो करना चाहेंगी? शोएब अख्तर को ले लें क्या दादा? हाँ यार, यही क्योंकि यही सूट करेंगे, इनको आएगा रोमांस करना। सोच लो अगर शोएब मलिक होगा तो वो तो बहुत बेचारा शर्मीला है, वो नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, उससे तो बोला भी नहीं जाएगा शोएब से। और अगर वसीम अकरम होंगे तो नहीं नहीं बड़े मतलब हाँ, हाँ, मैं तो एहतराम में ही मतलब शाइस्ता के साथ अच्छा लगेगा आपका पेयर ना। अच्छा, और शोएब का रोमांस कैसा होगा ना, ऐसा होगा कि बंदी सोचे कि अच्छा कुछ अच्छा बोलेगा ना, मतलब हाँ, एक टॉक करके आएगा। आप भी रोमांस आप एक्ट कर पाएंगे रोमांटिक हीरो, आपकी आंखों में भी रोमांस ले आएंगे आप, हमें उम्मीद है आपसे। निदा यासर, निदा यासर प्रोड्यूसर बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है इस प्रोग्राम में, मुझे पूरा शक नजर आ रहा है तुम प्रोड्यूसर बनना चाहती हो। ये प्रोड्यूसर है, रेस्टोरेंट की मालिक है, दो बच्चों की माँ है और पैसे भी बना रहे हैं, तीन बच्चे, तीन बच्चे, एक रेस्टोरेंट, एक हस्बैंड, और क्या क्या भाई तुम्हारे पास, कितना भाई हस्बैंड तो एक ही होगा ना, बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं बता रहा जी, नहीं गरीब औरत हूं मैं, गरीब औरत नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है ये। अच्छा जी, एक ऐसा क्रिकेटर शास्ता लोधी को बड़ा पसंद है, वो गेम से ज्यादा उसकी उसकी लुक्स जो है ना शास्ता लोधी को ज्यादा अच्छी लगती है, कहता है यार गेम तो ठीक है बंदा बड़ा हॉट है यार। अच्छा मुझे नसीम शाह तो हैं अच्छे क्यूट है, लेकिन मुझे शादाब भी अच्छा लगता है। शादाब शादी कर ली, कोई इमरजेंसी में शादी करने की चीज थी, जख्मी हो गया, इंजर्ड हो गया तो शादी कर ली क्यों, इतनी मतलब थोड़ा ठहर जाते, वो खिदमत करती है ना। शादाब इज वेरी वेरी गुड लुकिंग वैसे, बाय द वे ही इज वेरी गुड, इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज अ वेरी सेंसिबल गाय बाय द वे। अच्छा, लेकिन कितना अच्छा मैसेज गया देखें कि जब यंग बच्चों ने शादियां की हैं, इसका मतलब है कि यंग एज में शादी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए, बहुत अच्छा है, बड़ा जल्दी लग पता जाएगा उनको भी। अच्छा, यहाँ जो है ना हाल दूसरा है ना, 40 साल की उम्र शादी की, मैं अपने आइडल को फॉलो किया मैंने, इमरान नहीं, नहीं आपने आपने सही नहीं किया, आप मैंने इमरान खान को फॉलो किया, मैंने 40 साल की उम्र में शादी की, दो बच्चे हैं अभी, आ रहे हैं वैसे मिलने भाई, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बच्चे से मिल चुकी हूँ, पहले वाले से, मिकाइल से, आपको ऐसे 40 के बाद नॉटी होते ना, आपको कैसा लगा आप शादी? नहीं मैं नॉटी था शुरू में, हाँ अब ठीक हो गया हूँ, अब गोड़े गिटे खराब हो गए, नहीं था मेरे ठीक होने के बाद शादी करनी चाहिए, गोड़े गिटे खराब हो चुके हैं, मैं तो फर्क हो चुका हूँ। अब प्रोग्राम में करता हूँ, दिखाता हूँ मैं बड़ा मैको मैन हूँ, मैचो मैन, मैं कुछ ही रहा, मैंने जो करना जवानी में कर लिया, अब 40 के बाद अब बिल्कुल सेंसिबल खाना देख के खाना, बच्चों के साथ टाइम गुजारना। पिछले यकीन करो नेदा, पिछले 5 सालों में मैंने बेगम को बेइंतहा टाइम दिया, बहुत अच्छी और बेइंतहा टाइम गुजारा बचपने में, अब मिकाइल के साथ, शोएब आप हमेशा से ऐसे थे, अगर आपको याद हो तो शोएब की मदर गई थी उम्रे पे, रिमेम्बर? हाँ, और मुझे ये याद है कि ये उन दिनों में इतना अपनी माँ को मिस कर रहे होते थे, याद है? ओ माय गॉड, तो ये हमेशा से फैमिली मैन थे, है ना? हाँ, सो ऐसा नहीं है। Yes, of course, आप फोत हो चुकी हैं पिछले साल, बड़ा लंबा साथ रहा मेरा उनके साथ, और मैं हमेशा टीवी पे बड़ा खुल के कहता हूँ कि मैं अपनी उन खवातीन का, स्पेशली माँ का और अपनी बहन का और फीमेल्स का बहुत मकरूज रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे बनाया और बहुत साथ दिया। जब सारे छोड़ जाते थे तो एक फीमेल जो बैकबोन की तरह मेरे साथ रही, तो स्पेशली माँ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कान पकड़ के मुझे लाहौर से शिफ्ट कराया, जल्दी आ जाओ, क्रिकेट छोड़ दो, मैं जी छोड़ दी। सो मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी माँ की बात मान लो, अगर ये समझ लो तुम्हारी माँ एक समझदार औरत है, दूरंदेश है, वो तुम्हारे लिए बेहतर फैसला कर सकती है, तो एज अ मर्द एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे फायदे के लिए। सो मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलके, इसलिए कि आप बहुत विजनरी, बड़ी कायमशुदा औरतें, दलेर, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल, दलेर, दिल गुर्दा,
हम खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं। दिल गुर्दा भी आप में बहुत है। दिल गुर्दे के साथ मैं इनसे इजाजत चाहता हूँ, एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। हिमानी प्रेजेंट द शोएब अख्तर शो में थोड़ी देर का मिलेगा ब्रेक आप। अरे लोहा भी ले लेते हैं वो लोग और फिर पैसे देते हैं। रद्दी कूड़ा वाला? हाँ, वो किस पे आता है? ओ वो जो अब यस वो किस पे आता है मैन? वो मोबाइल पे आता है वो। Welcome back to Himani Presents the Show Bakhtar Show. आप जो खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम है सब कुछ बिकता है। इस गेम में होता यह है कि एक आइटम है और उस कार्ड पे यह लिखा होता है, उस चीज का नाम जो आप ले नहीं सकती। अच्छा जी, उसको आप फिजिकल एक्सपेक्ट नहीं बता सकती, ये पड़ा हुआ है जी, ये गमला शमला जो पड़ा, ये नहीं कह सकती आप। फिर आप उसको डायरेक्ट नहीं बता सकती, डायरेक्ट नहीं बता सकती कि ये जो पड़ा हुआ है, सो राइट टाइप, ये डायरेक्ट नहीं बता सकती। घुमा के रेलेवेंस पॉइंट से तारीफ कर सकती हूँ उस जगह की या उस इशारों में समझा सकती हैं, ये चीज ये हो सकती है। पहला कार्ड उठाएंगी आपने, आप तो बाद में, आप तो तेज वाली हैं, ठहर जाएं। निदा यासिर मुझे दिखाएंगी कार्ड, छुपा के देखिए। निदा गिराना नहीं, अच्छे क्लूज देना है। आप मुझे दिखाना, आपने देखना है और मैंने भी देखना है। हाँ जी, ओके। ये अब दिखाएं मुझे, ये है क्या? अच्छा, ओके ओके। हाँ, आपने ये समझाना है। निदा यासर आपको समझा रही है चीज क्या है, ठीक है? आपने गेस करना है। कभी कभार सड़कों से गुजर रहे होते हैं ना, इतनी शदीद बदबू आती है और कभी कभार मैं तो यासर से भी लड़ाई हो जाती है इस बात पे, क्योंकि उसको इतना शौक है दरख्त लगाने का और उस दरख्त को उगाने के लिए अगर ये ना होना, लेकिन फिर भी हमें वो बदबू बर्दाश्त करनी पड़ती है। खाद शक्ल से सीधी लगती हूँ वो, नहीं बता दूं आपको। आज अपना तो मैं मरने नहीं दोगी वैसे। नेक्स्ट कार्ड, वेल डन निदा, तुमने बहुत अच्छा फंसाया उसको। अरे यार उसको तो बहुत मुश्किल है। हाँ, नहीं समझ नहीं होगा, नहीं शास्ता यार, तेज चलो ट्राई कर लेते हैं। नहीं तेज इतनी, मतलब मेरी करीब की नजर कमजोर नहीं है, लेकिन सुई जो है ना, ये वाला काम खास तौर पे, मतलब ये मैं किसी ऐसे से करवाऊंगी जिसकी करीब की नजर सही हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। ये है ना? हाँ। ये अच्छा, उठाई कैसे बंदा इसको? अच्छा, पता है इस नाम का एक ब्रांड भी था। हाँ, हाँ, उठाई कैसे बंदा इसको? इसको उठा नहीं सकता ये। नहीं उठा सकते, इतना से तो अच्छा, है। थ्रेडिंग नहीं हो सकती पता है इसके बगैर, समझ जाओ। पता नहीं यार, थ्रेडिंग नहीं कर सकते इसके बगैर। आपको कैसे पता थ्रेडिंग? हाँ हाँ, वही थ्रेडिंग तो बोल दिया उसने, इतना मुश्किल कौन सा ही बोला? धागा था, राइट आंसर। आप में तीनों के दोनों के सही जवाब दिए, एक रहता हो। और निदा प्लीज मुश्किल बनाओ। अच्छा, मुश्किल बनाना है? मुश्किल बनाना, आसान बनाना, उसको बुझवाना, यही तो टेक्निक होनी चाहिए। ये तो ये जज कर ही सकती, गारंटेड है। अच्छा, अरे दी दी शोएब अख्तर शो में देख लेते हैं हम। ओके, अच्छा पते क्या, मुझे इसकी सही रात लगाई रखो। क्या इसको नहीं नहीं, ये जहाज, अगर ये जहाज में लेके गए ना, ये फट भी सकता है, बहुत खतरनाक है ये। अच्छा, हाँ नहीं लगा सकते, इससे काम बहुत होता है। कैसे करेंगे काम अगर ये ठीक ना हो रात? ये इजाजत नहीं होती आपको पता है लगेज में ले जाने की, हैंड कैरी में नहीं ले जा सकते। एक दफा अभी यार क्या हो गया यार, हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप गेस करें यार, आप सुने बस। हाँ तो फिर और जो है ये सात पर्स में बहुत भारी होता है, अगर ये ना हो ना तो मोबाइल बार बार चार्जर नहीं नहीं, जाहिर है आप साथ जाएंगे तो आपके पास स्विच तो नहीं होगा ना। बैटरी बैंक, थैंक यू, पावर बैंक इज द राइट आंसर। निदा यार मिली हो तुम उनसे? क्या सारा तो बता दिया इसके बगैर कुछ चार्ज नहीं। एक्चुअली गेम यही है कि आप बुझवाना कैसे है। चले निदा, आपने उसको फेवर दे दिया। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट सो इजी, इज नॉट बी एज नाइस, शी इज नॉट गोना बी एज नाइस टू यू, अभी देख लेना तुम। लो जी चले, निदा यासर की बारी है, आप गेस करने की, इतना इंटेलिजेंट है, कर लेगी।
निदा यासर की बारी है, निदा ने ना को मीम बनने देना है, ये कार्ड फौरन फौरन चंज करना है। प्रोग्राम भरा होगा मेरे मीम से। अरे नहीं जी, जो आपने पूछ लिया ना सवाल। I know 92 वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान का। अब शाइस्ता लोधी की बारी है, कार्ड उठाना है मुझे यहाँ से दिखाना है और आपने बुझवाना है निदा यासर ये क्या है। ओके ठीक है। नहीं 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 उफ जी ऑल योर्स। फूलों को अगर कमरे में लगाना है तो गमला तो पानी देने ना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा ना उनको। गमला तो नहीं है। अच्छा अब मगर ये फूलदान है जो को दाया शाइस्ता प्लीज। हाँ, यार तो क्या थोड़ा उलझाओ मेरी जान। अच्छा, उलझाना है। ओके आप इतना डायरेक्ट नहीं बोल रहे। ठीक है। हाँ बहुत मुश्किल। अच्छा बहुत मुश्किल। ओके ये नहीं कर सकती मैं बता रहा हूँ 100%। अब इसकी मॉडर्न शक्ल भी आ गई है। एक जमाने में पुराने ही होते थे, अब तो डिफरेंट चीजें आ गई हैं। अब अच्छा। मॉल्स में जाओ तो आपको शॉप्स के बाहर लेकिन मुझे ये बताओ नजर आती हैं। लेकिन यहाँ से चीजें तो मिल जाती थी ना आराम से। चीजें मिल जाती आराम से लेकिन अब उसकी मॉडर्न शक्ल जो है वो मॉल में नजर आती है। लेकिन नहीं ना, लेकिन जो तुम और मैं जैसे हमारी माएं लेती थी ना वो मजेदार चीज थी। पॉप अप स्टोर्स होते हैं। नहीं 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 छोटे छोटे कियोस्क होते हैं। अच्छा नहीं 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 शॉपिंग मॉल के बाहर होता है। नहीं ना लेकिन वो चॉकलेट्स खट्टी खट्टी टॉफियां नहीं नेल पॉलिश और ज्वेलरी। नहीं 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 यार। अच्छा ये जो कैसे बताएं अब हम कैसे बताएं। हम छोटे थे तो गली में आते थे और पुराने जमाने में ना। हाँ गुड़िया के बाल। नहीं भाई वो चीजें लेके पुरानी चीजें दे देते थे उन्हें। अच्छा छोटे छोटे टॉयज जो मिलते हैं वो पुरानी चीजें देते थे और उसमें पैसे मिलते थे ना। हाँ। उससे वो लोहा भी गुलक, दे दो गुलक। अरे लोहा भी ले लेते हैं वो लोग और फिर पैसे देते हैं। रत्ती कूड़ा वाला। हाँ वो किस पे आता है। ओ वो जो अब यस वो किस पे आता है मैम। वो मोबाइल पे आता है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। हाँ हाँ ऑनलाइन पे बेच सकते हैं अपनी। नहीं ना, हाँ। नहीं ना, पुराने जमाने में वो आता था लेके पुरानी चीजें देके अखबार शॉपिंग मॉल के बाहर लगा होता है रद्दी कूड़े वाला। यस ना वो किस पे आता है निधा। रेडी पे ठेला। ओके ओके हाँ मोबाइल पे वो तो मैंने तो बोला तो ठेले पे आता था पहले वो ठेला। खुद कहा तुमने। ओके क्या निदा यार क्या निदा देखा मैं तुझे कहा तुम इतने आसान से बता रही हो। अब ये बनेगा बेटे मीम देखना। अब तुम देखो ना वो रद्दी वाला आ रहे मोबाइल पे इतना नाइस बनी बता रही हूँ मोबाइल पे। हाँ हाँ भाई अगर आपने कोई चीज बेचनी है बहुत सारी ऐसी कंपनीज है आप अपनी तस्वीर में उसमें लगा दो और उस बिक जाएगी। वो थ्रिफ्ट मार्केट्स होती है ना तो, वो तो रद्दी पे क्या होता था पुरानी चीजें बेच दो वही पे तो कटते थे ना। किस चीज पे लेके आते थे। हाँ नया वैसे रेडी पे। हाँ, तो अब तो मोबाइल पे बिकती है ये चीज़। पॉइंट है आपका। मैं आप सही कह रही हूँ आपका पॉइंट है। आपका मीम बनेगा यार मैंने तो नहीं। मेरा भी मीम बनेगा भाई। मेरा भी मीम बनेगा। अच्छा लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट शाइस्ता प्लीज। हाँ ये बहुत मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है। अच्छा देखो हाँ फ्रूट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर यासिर जैसा शरीफ मियां मिल जाए। अल्लाह कहाँ से शरीफ है तुम खामा खाई में तुम पूछ लो ना पहले। किस एंगल से तुम्हें शरीफ लगता है। मुझे तो लगता है ना निदा फैमिली शो है ये। अच्छा तो क्या नहीं ना तो शरीफ मियां मतलब मुंह पे निकल रहा है। शरीफ मियां हाँ और फल। हाँ शरीफ मियां और फल। ओ यासिर का फेवरेट फ्रूट शरीफा है। ये ये हाँ। मेरी बहन ये देखो ना हाँ। पता है और सीधा सीधा तो मिल गया। शाइस्ता प्लीज निदा को देख के कौन सा गाना याद आता है तुम्हें। निदा को देख के कौन सा याद आता है। चांद वाला मत क्या ना मेरा मुंह चांद जैसा है मेरे मियां बता चुका है मुझे। हाँ गोल। साथ गाते हैं भाई। अच्छा चलो दोनों बेसुरे हैं साथ गा लेते हैं। चलो बताओ कहानी सुनो आजकल सबकी जुबान पे। कहानी कैफी खली लिया। हाँ बड़ा गुड गाय यार। कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था।
आगे क्या है बता दे कोई, मेंशन कर दूं। हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की रचाए, तेरी नेले बलाए, तेरे सदके उतारे। बंद कर देंगे लोग, सब इतना बहुत हो गया और क्या? इतना हाँ, अच्छा टेम्परेचर। निदा क्यों रोका, वो अभी आंखें बंद करके वो जा रही थी, समा बंद रहा था। हमारी जो इज्जत बनी है वो बनी रहे। लेकिन बहुत ही अच्छा स्पोर्ट, देखिए ये पायनियर में से हैं शाइस्ता लोधी और मेरी बहन निदा, क्योंकि इन दोनों ने इतना अच्छा टीवी किया कि टीवी को इतना माइलेज मिला, इतना माइलेज मिला, नेटवर्क को इतना माइलेज मिला, बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी दिल से की। इंसान है, हो जाती गलती, कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, तो सिर्फ माफ कर दिया करो हर चीज पे, ना जज बन के ना बैठ जाया करो। चीफ जस्टिस याद आया, भैया मैंने ब्रेक लेना था, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। टेक अ ब्रेक, वी कम बैक सून। अच्छा जी, आपके फेवरेट कौन से टीम के? खान साहब। ओ खान साहब जी, सॉरी जी, माफ कर दीजिए, हमारे भी फेवरेट है जी। ठीक है जी, ठीक है, डन 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 डन। कैप्टन डैडी हो रहा था भाई, कैप्टन। Welcome back to Himani Present the Shoaib Akhtar Show. अब हम जा रहे हैं कोर्ट जोन में, जहाँ पे रैपिड फायर है। रैपिड फायर हम खतरनाक तरीन और से पूछेंगे, बहुत ही तेज है, बहुत ही स्मार्ट है, बिजनेस एक्यूमन बहुत अच्छा है, होस्टिंग तो अच्छी करती ही थी लेकिन बिजनेस में भी अच्छा करती है, जवाब भी तेज से देती है, सोचती बिल्कुल नहीं है। रैपिड फायर टू शाइस्ता लोधी, वो भी हिमानी का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए पड़ा हुआ, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स स्किन केयर जो आपके रिलेटेड हैं इसमें हैं। थैंक यू हिमानी टू सपोर्ट मी एंड सपोर्टिंग द प्रोग्राम एट द सेम टाइम। बट शाइस्ता लोधी जी जी, रैपिड वायर है, रैंक द फॉलोइंग मॉर्निंग शो होस्ट, नादिया खान, सनम जंग, निदा यासर एंड फैसल कुरैशी, कहां कहां आप इनको रखती हैं? नादिया खान वन, सनम जंग, निदा, निदा टू, सनम जो जॉब है, हम उसकी बात कर रहे हैं और बाकी किसी चीज की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो सीट की बात कर रहे हैं जो जरूरत है उस जॉब की, वो उसकी रिक्वायरमेंट। नादिया की स्पॉन्टेनिटी माँ है हम सबकी, वो इस मामले में पायनियर भी है, नो डाउट है, ऐसा ही है। अच्छा जी, ऐसा कौन सा करंट जनरेशन का एक्टर जिसकी आप फैन हैं? वहाज। वहाज, एब्सोल्युटली, ये बड़ा तेजी से ऊपर आया है ना। हाँ। और बहुत पक्का एक्टर है, सुना मैंने ना, मेरी बेगम मुझे बता रही थी वहाज के बारे में, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, तो छाया हुआ है, बहुत अच्छा है, हर तरफ है, वेरी हार्ड वर्किंग है। हाँ। वहाज, विश बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, और योर अप एंड कमिंग टैलेंट, लुक्स भी बहुत अच्छी, फोकस है, प्यारा भी है, प्यारा भी है, हां लुक्स भी, मुझे क्या लगे प्यारा है, ओए जा यहां से, प्यारा है, प्यारा से क्रिएटर होता है यहां पे, हमारी लड़कियों पे तुम गलत इंप्रेशन डाल रहे हो। आज की पेड़ आप मेरी जान, विश यू बेस्ट ऑफ लक, तेरी काम की तारीफ बहुत सुनी मैंने, बेगम से भी सुनी है भाई, ये है पक्का एक्टर, पक्का एक्टर। अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम के कोई टीम कैप्टन्स, पाकिस्तान टीम के कुछ तीन कप्तानों का जल्दी क्वेश्चन करें, मुझे जवाब देने आए फौरन, जल्दी क्वेश्चन। हाँ जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कप्तानों के नाम बताइए, कप्तानों के नाम बताएं, मैंने समझा शायद आप पूछ रहे हैं फेवरेट। अच्छा हाँ। खान साहब, अच्छा जी, एक सलाम, वालेकुम सलाम, ओके, बाबर, टू, शोएब मलिक, एक दफा कैप्टनसी की है इसने। अच्छा जी, आपके फेवरेट कौन से तीन जी? खान साहब। ओ खान साहब जी, सॉरी जी, माफ कर देंगे, हमारे भी फेवरेट हैं जी। ठीक है जी, ठीक है, डन 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 डन। कैप्टन, डैडी हो रहा था भाई, कैप्टन। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं निदा यासर के साथ। निदा यासर से पहला सवाल ये किया जाएगा, इसमें कौन सा एक्टर है जिसको अच्छी पीआर टीम की जरूरत है? एक हो गया दानिश तैमूर, फिरोज खान और समी खान। दानिश तैमूर को। व्हाई?
उसको अच्छी पीआर टीम की, अच्छी पीआर टीम की जरूरत है दानिश तैमूर। निरा यासर ने कहा है और बहुत अच्छा कहा है। आपने अपने स्टाइल में कहना है लॉर्ड द पावा अख्तर लावा। अच्छा ठीक है, रेडी? लॉर्ड द पावा अख्तर लावा, लॉर्ड द पावा अख्तर लावा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। लो जी, इन लोगों से आपको एक गिफ्ट मंगवाना हो, इन लोगों से अगर आपको एक गिफ्ट मंगवाना हो तो निदा यासर कहेगी कि आप मेरे लिए ये लेकर आए। ओके, वो बंदे ये हैं, बिलावल भुट्टो। ओके, मैं उनसे अपने लिए ना बहुत अच्छे कलर की अमेरिका से नेल पॉलिश मंगाऊंगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपने नेल पॉलिश लानी है? उनकी बहनें हैं तो उनको पता होगा कैसे उनकी बहनें हैं, उनको पता है। ठीक है, चले। ओके, नेक्स्ट मायरा खान। मायरा खान से मैं उसकी ब्रांड के सफेद कुर्ते मंगवाऊंगी। ब्रांड के सफेद? हाँ मायरा, हम लोग मतलब किधर सबको मिल रहे हैं हम लोग। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, उनसे मैं लंदन से नवाज शरीफ मंगा लूंगी। गुड वन, गुड वन नदा, ये नदा। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी से उनकी भी कोई ब्रांड है शायद कि नहीं? अरे शाहिद अफरीदी से मैं क्या मंगवाऊंगी? मैं किसी स्टेट एजेंट का नंबर पूछूंगी, बड़े अच्छी जगह प्लॉट खरीदते हैं वो। बड़ी जगह प्लॉट खरीदते हैं? हाँ। शाहिद अफरीदी प्रॉपर्टी डीलर। निदा यासर कहती है तुम बहुत अच्छे प्लॉट खरीदते हो, हर जगह खरीदते हो, और बस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा से क्या मंगाऊंगी जी? फहद मुस्तफा क्या क्या मुस्तफा से वो जो बाइक करता है गिफ्ट करता है तो वो मंगा लूंगी कि एक मुझे भी दे दो। एक तुम्हें दे दो। हाँ। अपने देना घर पे देना। हाँ, को कि चलो यार स्टूडियो से मेरे स्टूडियो भेज दो। बरसात ही तो होता है, वही तो कह रही हूँ ना, अपने स्टूडियो से मेरे स्टूडियो भेज दो। और इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एम्पावर्ड खूबसूरत शास्ता लोधी जिन्हें टीवी पर लवा मनवाया, होस्टिंग की, ड्रामा किया, बच्चे पाले, बिजनेस किया, एक खातून क्या क्या कर सकती है वो एक ही पैकेज में आपको यहाँ नजर आ जाएगा। दिस इज शास्ता लोधी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, इट वाज अमेजिंग एंड थैंक यू वेरी मच। और निदा अगेन इज अ इनोसेंट सोल, मेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, अ ग्रेट सोल, इनोसेंट सोल, और बड़ी प्योर खातून है, और बड़े ही सीधी सादी हैं, और बड़ी खुली डुली हैं, और फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी है। बहुत सारे लोगों ने इनकी एनर्जी को मारने की कोशिश की, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझको नहीं मारा जा सकता, मैं एज इट इज़ ऐसे ही रहूँगी और थ्राइव करती रहूँगी। एक ही मॉर्निंग शो सर्वाइव किया बड़े आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो इन्हीं का था। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग निदा। अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ एक स्कॉट जोन में एक सेल्फी खिंचवा के मैं आपको रुखसत करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, और आप तो इंटरनेशनली इतने माशाल्लाह मशहूर हैं, आपकी इतनी इज्जत है, तो आपने इतनी इज्जत दी, शायद अल्लाह ने आपको इसीलिए इज्जत दी है कि आप लोगों को इज्जत देते। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स माय जान, लव यू बहुत। और इस पे अब फैसला आवाम करेगी कि गिफ्ट हैम्पर किसको देना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट हैम्पर में शाइस्ता लोधी ने भी बड़े कमाल जवाब दिए थे और निदा यासर ने भी दिए थे। हम कोई मसला नहीं की तरफ से देखें इतनी सारी प्रोडक्ट्स। जी हम आधा आधा कर लेंगे, हम आधा आधा कर लेंगे। खैर शाइस्ता की अपनी ब्रांड है तो हम बड़े मालदार हैं जी। तो चलो जी, हम अपने गेस्ट को नाराज नहीं करते, वो इसलिए नाराज नहीं करते कि हम बड़े दिल के हैं। हिमानी की प्रोडक्ट्स भी बहुत वाइड रेंज में अवेलेबल हैं। हिमानी भी कंजूसी नहीं करता, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे गेस्ट नाराज न जाएं। विनर तो निदा यासर है, लेकिन खाली हाथ तो शाइस्ता लोधी भी नहीं जाएंगी। ये लाया आपका गिफ्ट हमने शाइस्ता लोधी साहब, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू बीन ब्रिलियंट एंड यू बीन एब्सोल्युटली जेम, और शास्ता यू आर ऑलवेज अमेजिंग। थैंक्स यू वेरी मच फॉर कमिंग। अब टाइम हुआ स्कॉट जोन सेल्फी का, आ जाइए। जी जी थैंक यू। और सेल्फी मैंने लेनी है अपने हाथ से। कैसे ले? और बेस्ट एंगल क्या करेंगे, पाउट बनाए? ये मैं आपको भेज भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मेजान, थैंक यू वेरी मच। लो जी, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई एपिसोड, थैंक्स यू वेरी मच फॉर द फीडबैक, लव यू ऑल, गुड नाइट। मोहम्मद यूसुफ अगर वापस आ रहे हैं इंग्लैंड से तो अब्दुल रजाक के लिए क्या लाएंगे? पालक पालक गोश्त पालक गोश्त
अगर ना आई तो सबसे नाराज हो जाएंगे। अफरीदी भी फिल्म में आ सकता है, फिल्म में अफरीदी गुड लुकिंग है। और याद है एक बार आप लोग इंडिया में दोनों बैठे हुए थे बता दे। अफरीदी नाराज नहीं, अफरीदी भाई ये लाइटर नोट पे बात हो रही है कि ये पुरानी बात है इंडिया में 99 में।